हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं शेयर करूंगी चाय के साथ खाने के लिए एक नाश्ते की रेसिपी। ये बहुत ही आसान है और एक कप सूजी से आप पूरे फैमिली के लिए ये बना सकते हैं और बच्चों को ये खास करके बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए ये रेसिपी शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके लिए मैंने इधर एक कढ़ाई ले लिया है और कढ़ाई में एक कप सूजी डाल दिया है। सूजी को हल्का सा रोस्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, 4 से 5 मिनट इसको थोड़ा सा भून लेंगे। देखिए सूजी जो है वो अच्छे से भून चुका है। इधर मैंने पानी लिया है 3/4 कप, तो पानी को थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। पूरा पानी मैंने डाल दिया है, अभी इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको ढक के छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। इस 10 मिनट में ये जो सूजी है ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। इसमें ज़्यादा पानी ना मिलाएं, 1 कप सूजी के लिए 3/4 कप पानी मिलाएं। तो 10 मिनट हो चुका है, सूजी जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। तो इसमें कुछ सामान मिलाएंगे। ये चीनी को मैंने पीस के रखा था, ये छोटे चम्मच का मैं 6 चम्मच डाल रही हूँ। अगर बड़ा चम्मच है तो आप 3 चम्मच पाउडर चीनी ऐड करें। इधर डाल देंगे 1/4 टीस्पून सॉल्ट और ये इलायची का पाउडर 1/4 टीस्पून और घी 1 टीस्पून। अभी इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये सूजी जो ये हल्का हल्का गर्म है अभी भी। अगर ये बहुत ज़्यादा ड्राई लग रहा है तो आप 1 से 2 चम्मच पानी इसमें ऐड कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा पानी इसमें ऐड ना करें। जब आप इसको अच्छे से गूंदेंगे तो देखेंगे कि ये बहुत अच्छे से बाइंडिंग आ जाएगा और जैसे हम आटा लगाते हैं तो ये एक साथ आ जाएगा। इसमें मैंने और 2 चम्मच पानी ऐड किया है, इसको फिर से एक बार अच्छे से गूंद लेते हैं। ये हो चुका है तो इसमें से आधा हम ले लेंगे और आधा जो है उसको ढक के रखेंगे ताकि ड्राई ना हो जाए। अभी इसको बेलेंगे, तो मैंने इसको थोड़ा राउंड कर लिया है। अभी इसको बेलेंगे, बेलने के टाइम साइड से ये क्रैक्स आ सकते हैं, तो इसमें चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि इसमें से हम छोटे छोटे राउंड्स कट करेंगे। तो चकले को घुमा घुमा कर इसको बेल लेंगे और ये बहुत ज़्यादा पतला नहीं होगा और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं होगा। पराठे जो हम लोग बेलते हैं पराठे से मोटा होगा। इसका थिकनेस मैं दिखा दूंगी। मैंने इसको बेल लिया है, अभी मैंने एक छोटा सा ग्लास ले लिया है। आप कोई भी ढक्कन ले सकते हैं या कुकी कटर हो तो वो भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से गोल गोल काट लेंगे। तो देखिए इसका थिकनेस ऐसा होगा। तो इस तरीके से और बना लेंगे।
तो देखिए इस तरीके से बना लेंगे और जो बात बचे हुए पोर्शन है उससे फिर हम फिर से बनाएंगे। तो इसी तरीके से सारे जो राउंड्स है इसको बना लेंगे इस तरीके से। देखिए सारे मैंने बना लिया है, अभी इसको फ्राई करेंगे। तो ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है, ऑयल जो मीडियम हॉट होना चाहिए और इसको मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे। बहुत हाई कर देंगे तो ये क्रिस्पी नहीं बनेगा, जल्दी से लाल हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा लो फ्लेम पे अगर करेंगे तो ये क्रैक्स आ जाएगा इसमें, ये फटने लगेगा। एक बार में जितना आएगा उतना डाल देंगे। मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे, बाद पहले इसको नहीं हिलाएंगे, 2 से 3 मिनट ऐसे ही होने देंगे। जब ये थोड़ा सा सख्त हो जाएगा उसी टाइम इसको पलटेंगे। एकदम पहले ही अगर टच कर देंगे तो उस टाइम पे ये बहुत नरम होता है, ये टूट सकता है। तो 2 से 3 मिनट इसको पहले होने दें, उसके बाद इसको पलट दें। देखिए दोनों तरफ से फ्राई हो चुका है, गोल्डन हो गया है। तो इसको एक टिश्यू पेपर पे निकाल लेते हैं। इसको अब डब्बे में भर के 1 हफ्ते तक रख के खा सकते हैं। खास करके बच्चों को ये बहुत पसंद आता है। तो एक जो है ये थोड़ा सा बाकी है, अभी साइड में और डाल देते हैं। इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। ये रेसिपी अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।